या सरकार किसान विरोधी है? पहले से बड़े बड़े कहते हैं आज भी किसान विरोधी है, या अरे या किसान विरोधी रहेगी? लोग बाग तो विश्वास करे भाई, बीजेपी पे विश्वास किया था जी भी, तो बीजेपी को वोट दी थी, आज बीजेपी से विश्वास भंग हो गया किसान का। जब किसान का विश्वास भंग हो गया तो कुछ विकल्प तो किसान भी टोवेगा। किसान ने तो पक्का मन बना लिया, इनके खिलाफ है पूरा माहौल, और ना उखाड़ फाड़ने का काम किसान करेंगे। मुजफ्फरनगर से ही आई थी और मुजफ्फरनगर से ही इन्हें दफनाने का काम करेंगे किसान। सरकार में कमजोरी है, के कमजोरी है, ये वादे अनेक करते हैं, पूरा एक नहीं। जज भी छरी है और मंदिर भी छरे है, एक का तो गोली छाती में मारे बेईमान मगा तू, और एक का पिंडी में मारे, तो तू दोषी है मोदी जी, विचार कर लिए। वोट की चोट ऐसी मारेंगे इनके, अगर ये पानी नहीं मांगे ऐसे जाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग गए, जैसे गधे के सिर से सींग गए। इतनी बड़ी कमजोरी है, वादे अनेक पूरा नहीं। सिसोली में किसान मसीहा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के 88वें जन्मदिवस पर आज बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं यहाँ पे। नए नए मुद्दे जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है सामने आने लगा है, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का मुद्दा भी सामने आया है, और अब चूंकि गन्ने का पेराई सत्र भी जल्द शुरू होने वाला है इस महीने के आखिर में या नवंबर की शुरुआत में, तो गन्ने का भुगतान कुछ मिलों में पेंडिंग है, गन्ने के भाव को लेकर भी किसानों के मन में अलग अलग प्रकार की शंकाएं हैं। क्या यहाँ आज बाबा टिकैत के जन्मदिवस पे जुटे किसानों के मन में है, उसी बारे में हम ये इन किसानों से भी चर्चा करेंगे। बाबा जी क्या नाम है आपका? राम कुमार। तो क्या लग रहा है आपको 2024 को लेके, जिस तरह का माहौल अभी दिख रहा है, इस बार किन मुद्दों के आधार पर किसान अपनी वोट देने जा रहा है? वोट तो इब के खुले आम जागी, और इनको समझ गए सब किसान भाई, इब के इनके बकाए में नहीं आवे, ये तो होली बादीगर, बादीगर वाला तमाशा भी नहीं चलेगा। इब तो जो सरकार किसान और जवान की नहीं सुनेगा और नहीं इसकी देखा अनदेखी करेगा तो सरकार घटेगी बढ़ेगी नहीं, इबके सरकार झुकने का काम पूरा पूरा करेगी। इबके सरकार को अपनी चेतावनी पूरी किसान बिरादरी ने दे दी। हाँ, जय जवान जय किसान। सरकार अपनी उपलब्धि गिनवावे, सरकार अपने बारे में बतावे, हमने ये काम करे, किसानों को काम चाहिए, किसानों का सब आदमी को पब्लिक को काम चाहिए भाई, काम करेंगे जी भी तो नाम होगा। खाली मतलब हवाबाजी तो है, फरोड़ गिरती तो बात नहीं होती। किसानों के लिए क्या किया बताओ भाई, वहां 13 महीने आंदोलन चलिया, इससे दुख की बात क्या हो सके? मतलब किसान को 13 महीने तक युद्ध करना पड़ता हो अपनी मांग को लेकर, क्या सरकार पर उम्मीद लगा सके किसान? कुछ नहीं। या सरकार किसान विरोधी है? पहले से बड़े बड़े कहते हैं आज भी किसान विरोधी है, या अरे या किसान विरोधी रहेगी? ये तो लोग अपने अपने स्वार्थों के बस इसे वोट देने, इसका महारा कोई इसकी औचित्य नहीं बैठता इसे वोट देने का। किसान विरोधी सरकार है पक्की, इसमें कोई शक की बात नहीं। विकल्प क्या है फिर किसान के पास? विकल्प है इंडिया गठबंधन बना, दूसरे लोग है बहुत बढ़िया आदमी है, अरे गठबंधन बना उसे वोट देंगे, उसे देखेंगे। हमें तो आदत है सरकार को गैल लड़ाई करने की भाई, मान लिया कांग्रेस की गैल भी हमारी लड़ाई रही, सपा की गैल भी रही, ये बीजेपी गैल है, आगे ठीक काम करेंगे ठीक बात है, नहीं तो आगे नहीं भी तारेंगे। यही कौन सा हमारे लिख रहे कुछ भाई, ये भी हमारे लिख नहीं रहे कुछ, देखो देखते हैं इनको तो। ठीक ठीक आदमी जैसी ये बात कर रहे, अगर भाई हम किसान की बात करेंगे, किसान के लिए वो करेंगे, पेंशन बहाली करेंगे, MSP कानून ले आवेंगे, रोजगार देंगे, तो जुकर ये कह रहे ठीक है भाई, बढ़िया बात है, लोग बाग तो विश्वास करे भाई, बीजेपी पे विश्वास किया था जी भी, तो बीजेपी को वोट दी थी, आज बीजेपी से विश्वास भंग हो गया किसान का। जब किसान का विश्वास भंग हो गया तो कुछ विकल्प तो किसान भी टोवेगा है। अच्छा रोजगार नहीं छोटे बच्चों का भाई, सब बेचारे अग्निवीर बनाए दे, वो अग्निवीर भी कहीं नहीं, ना कहीं उसका भर्ती का पता, ना उसका कहीं कुछ सिस्टम का पता, कुछ नहीं है, कोई रोजगार नहीं, बहुत बुरा हाल है। नई जनरेशन तो सब खराब होगी भाई, इनकी पढ़ाई का कोई सिस्टम नहीं रहा, नौकरी का, नौकरी के लिए पढ़ाई करे तो नौकरी नहीं रही, क्या करे बेचारे, पेट पुटाए अपने घरों बैठे लग रहे सब। मैं MSc पास बेचे तो मैं घरों दिखा दूं, क्या होगा उनका बताओ। इस तरफ सरकार का बिल्कुल ध्यान ही नहीं है, सरकार का तो बस लोगों में एक प्रचार फैलाना, बस देख कितने बढ़िया काम है,
पॉपुलरिटी जीत रही, विदेशों में जा कहीं वहां जा रही, कभी वहां जा रही। अरे जितना खर्चा इन्होंने G20 में किया, इतना खर्चा किसी एक प्रदेश पर लगा दिया, उत्तर प्रदेश उभर जाता और इनकी जय जयकार होती। ये तो अपनी पर्सनलिटी बना रहे, अपना मौज ले रहे और कुछ नहीं। इन्होंने देख लिया लोग वोट लेने का तरीका न पता, कभी हिंदू मुस्लिम की बात ले हुए, कभी कहीं की बात ले हुए, कभी कहीं की, अलग अलग कानून ले बैठा गए तो और वोट हासिल कर ले पब्लिक की, फिर मौज ले अपना कोठी में बैठ के, कोई किसी का नहीं भाई। दोस्त ईडी का जिक्र कर रहे थे आप शायद। हाँ जी, ये देख लो, ये जो भी नेता इनके खिलाफ बोल रहे हैं उस पर ईडी की जांच लगा हुआ है, उसे अंदर कर दे। ये आवाज दबाने का काम कर रहे, ऐसे थोड़े आवाज दबा देंगे, किसी नेता की तो आवाज दबा देंगे, इस पब्लिक पर कहां ईडी लगा देंगे, पब्लिक की आवाज कैसे दबा देंगे। इनके खिलाफ है जी, इबके सब अड़ंगा इनके खिलाफ है, इबके इनकी जनामत जब्त का काम करेंगे। किसान किसान इतना परेशान इस सरकार में होया, अब से पहले कभी इतना परेशान नहीं हुआ, किसी भी सरकार ने किसान को इतना दबाने का काम नहीं करा। इनके वादे तो बहुत बड़े बड़े हैं, देने को इनके द्वारा कुछ है नहीं, पांच काम गिनवा दो न केक रहे आज लो। राहुल गांधी को गए बेकूफ है, अरे बेकूफ तो बनाया दिया इन्होंने, बेकूफ नहीं है वो। इनका जनता इनकी चाल सिमझ गई, इनके भकावे बिल्कुल नहीं आने गए, इनके खिलाफ है जी पूरा माहौल। 100 करोड़ लोग इनके खिलाफ है, ये टीवी पर इनमें एड में दिखाया गया, इनसे वोट लेना सोच रहे, ऐसा नहीं होगा इनका। ये एक मतलब दबाव बना हुआ है नेताओं पर, ईडी लगा हुआ है, ईडी तो इनका भाई है, उसे लगाया था, इसके पीछे लगा है, हमारे खिलाफ बोला है, संजय के पीछे इन्होंने ईडी लगाया गया, वो अंदर कर दिया। उसके घर तो एक चुवन्नी नहीं मिली, इन्हें एक चुवन्नी नहीं मिली भाई साहब। उसने कहा था वो मेरे घर तक कुछ बरामद करो, कुछ मिला ही नहीं, वो फिर भी बंद कर दिया। तो इस तरह से नेताओं पर तो ईडी लगा सका, ये आम आदमी पर ईडी कहां लगाओगे। मन बना लिया जी किसानों ने, किसानों ने तो पक्का मन बना लिया, इनके खिलाफ है पूरा माहौल। और इनका इन्हें उखाड़ फाड़ने का काम किसान करेंगे, मुजफ्फरनगर से ही आई थी और मुजफ्फरनगर से ही इन्हें दफनाने का काम करेंगे, किसान दफनाने का। ये है जी हालात, बहुत बुरा हाल है जी इनका। सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ या पब्लिक जाग उठी, जेब जेब कोई भी काम हो या निरंकुशता पब्लिक बर्दाश्त नहीं करने की, सरकार ने दिखा दिया, लोगों को दिखा रही, जो भी इसके खिलाफ बोल रहे हैं इसके खिलाफ पीड़ी ले आओगी, कहीं कुछ ले आओगी, कहीं कुछ ले आओगी, ऐसा क्या मतलब क्या बात है भाई, उनकी भी तो बात सुनो। मतलब जो इनके खिलाफ बोल रहा यही है, कानून में बस जेल में डालो। अरे लोकतंत्र में हमें यही तो एक अधिकार मिला कि हम अपनी बात कह सके, जब हम अपनी बात ही नहीं कह सकते फिर क्या लाभ है। फिर तो ठीक है चुनाव ही क्यों, चुनाव भी खत्म, और खत्म हो ही जाएगा चुनाव, अगर इनके बीजेपी आ गए चुनाव रहने का ही नहीं, वो सब सिस्टम खत्म होगा, वैसा कानून को बदलेंगे और एक तरफा राज होगा भाई साहब, ना फिर आप रहने के ना हम रहने के। हाँ क्या लग रहा था, क्या कहना चाहोगे, क्या माहौल है 2024? मैं अपना पता बताऊंगा पहले, समझे आप, महाराज बीज पहलवान गांव फुगाने से, तहसील बुढ़ाने से, दक्षिण शिव मंदिर से, मैं बारू पहलवान का महेंद्र सिंह का सिपाही हूँ बचपन से, समाज सेवा की। इस सरकार में कमजोरी है, के कमजोरी है, ये वादे अनेक करते हैं, पूरा एक नहीं है। मैं बोला गाजीपुर भी बोला, जंतर मंतर भी रहा, मगर मैं जट भी ठहरी है और मंदिर भी ठहरे है, एक का तो गोली छाती में मारे बेईमान मगा तू, और एक का पिंडी में मारे तो तू दोषी है। मोदी जी विचार कर लिए, खुल के या जनता 16 लाख रुपए देंगे भाइयों बहनों, कोई नौकरी ले लिया योगी जी, मोदी जी ले, बहन जी ऊपर गई मायावती से, ये जो इनके खिलाफ बोलता है उसका गोली मार रहे, किसी के खावे में चंद्रशेखर का मार दी, मार के देखो कोई ना मार के घेर देंगे, ओट की चोट ऐसी मारेंगे इनके, अखिल पानी नहीं मांगे, ऐसे जाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग गए, जैसे गधे के सिर से सींग गए। इतनी बड़ी कमजोरी है, वादे अनेक पूरा नहीं, एक दो जगह हाथ गिराया इन्होंने, किसान छोटा या बड़ा किसान, इन्हें जर जरू तीनों चीजों पे हाथ गिराया इस इंसान ने, ऐसा जाएगा जैसे गधे के सिर से सींगा, इसे काले पानी तारे बिना नहीं छोड़ेंगे। अब महाराज भी पहलवान बोल रहा, क्या यही बुला लो क्या कहोगे, क्या माहौल है, किस बार वोट देने जा रहे हो 2024 के चुनाव में, तो किस आधार पर दो? वो तो सरकार को बता किस आधार पर देंगे, आपको भी तो नहीं अमल नहीं पा रहा, सरकार को बता भाई, सरकार बताओगी
हमें ही बताओ कि सरकार हम किसे वोट दें। कुछ युवा भी मौजूद है दोस्त, क्या नाम है? इंतजार है। क्या लग रहा है 2024 में किन मुद्दों के आधार पर लोग वोट देने जा रहे हैं इस बार? सरकार का भी नहीं है कोई नहीं रहा है तो सरकार का। भाई पब्लिक के कह रही, उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था, जो घोषणा पत्र जारी किया था अपने ही घोषणा पत्र के मुताबिक भी सरकार खरी नहीं उतरी तो किसान क्या करे, पब्लिक क्या करे। इन्होंने कहा था बिजली फ्री करेंगे, किसान को खाद बीज मतलब खूब सहूलियत मुहैया होगा, है सब काम बिजली मतलब ठीक, चलो खैर बिजली तो जैसी कुछ आ रही जा रही, लेकिन बिल बिल देख लो आपने दुगुना कर दिया सरकार ने। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था बिल माफ होगा किसान का, और घरेलू बिजली की भी यूनिट बनाओगे भाई 200 यूनिट फ्री करेंगे। इनका घोषणा पत्र उठा के दे लोग दुगुने कर दिया, इन्होंने यूनिट दुगुनी कर दी, 8 रुपये यूनिट आज ग्रामीण क्षेत्र में ये वसूल रहे। अच्छा किसी पे बिल नहीं दिया जाता तो उसके खिलाफ वारंट करे, उसका कनेक्शन काटे, उसकी बेइज्जती करे। तो एक तरफ ये पब्लिक की बेइज्जती कर रहे, एक तरफ ओटू की उम्मीद लगा रहे, ऐसे नहीं तो नहीं होने पाने का भाई। पब्लिक में कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा सरकार को, तब पब्लिक अपनी होगी, पब्लिक का मन जीतना पड़ेगा, पब्लिक को खुश करना पड़ेगा। 5 किलो अनाज मैंने सोच रहे देश खरीद लिया। किसान का जवान का नाम तो लेती है वोट की सतह, बता दू ना, किसान का नाम लेती ना जवान का वोट की सतह, बताओ। बड़ा सवाल ताऊ जी उठा रहे हैं कि ना सरकार किसान का नाम ले रही है ना जवान का नाम ले रही है, और यहाँ जो किसान आ जाए बाबा टिकैत का जन्मदिवस मनाने के लिए, सभी के मन में बड़ा दर्द भी दिखा कि किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार लगातार उपेक्षित रवैया अपना रही है, और इस बार इसी उपेक्षा का जवाब किसान 2024 में जब अपनी वोट देगा तो उसका जवाब अपने वोट के जरिए दे सकता है।